नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव और सबसे पहले आपको दिखाएंगे अयोध्या की तस्वीरें, जहां अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। सुबह 3 बजे से अभी तक लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग दर्शन करके घर लौट रहे, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में लोग अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। अयोध्या के लिए ट्रेन और बस सेवा भी लगभग बंद है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हैं। पूरी अयोध्या नगरी राम भक्तों से खचाखच भरी हुई है। पुलिस और प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हैं। तो आप ये देखिए, जहां अयोध्या में और रामलला के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, और आप ये देखेंगे कि जो यातायात सेवाएं हैं वो बंद हैं, बावजूद इसके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामलला के स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है व्यवस्था सुधार लाने के लिए। लाखों की भीड़ देखी गई, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ। दरअसल 2 दिन से लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन करने के बाद जो घर लौट रहे हैं, लेकिन उसे दुगने की तादाद में जो भक्त हैं वो आ भी रहे हैं। तो आस्था का जनसैलाब अयोध्या में रामलला के दरबार में, और एक झलक पाने की कोशिश सभी भक्त की कि श्री राम के बाल रूप का दर्शन कर वे धन्य हो जाएं। और लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं विधिवत, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। पूजा पाठ के साथ साथ जो आरती हो रही है, भोग हो रहा है, तो रामलला के दर्शन के लिए लाखों की भीड़, मानिए कि जन सैलाब उमड़ पड़ा हो रामलला के दर्शन के लिए। तो एक चाहत कि रामलला के दर्शन हो। श्रृंगार और दोपहर आरती हुई, जहां पर खास तरीके से ये पूरा श्रृंगार किया गया। आरती विधिवत तरीके से हुई और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। बहुत तेज़ी से यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा पड़ा हुआ है और आज तो धूप भी नहीं निकली, बावजूद इसके आप देखिए कि आस्था से ओतप्रोत भक्तगण लगातार मंदिर प्रांगण में दर्शन के लिए ललायत। और एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार उस पल का। और आप देखेंगे कि अयोध्या के आसपास जो घाट है, खासतौर पर सरयू घाट की बात कर ले, तो यहाँ पर भी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। ठंड बहुत है, लेकिन उसके बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं, डुबकी लगाते हुए स्नान करते हुए नजर आए और अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। और ठंड तो है ही जोरदार, लाखों राम भक्त अयोध्या में मौजूद हैं, मंदिर प्रांगण में भी मौजूद हैं। एक झलक पाने की चाह और घंटों का इंतजार देखते ही बनता है। देखिए तस्वीरें, देखिए आप, तो जितनी खचाखच भीड़ आप आज देख पा रहे हैं, इतनी भीड़ तो कल भी नहीं थी, लेकिन आज जिस तरीके से आम जन के लिए भी दरबार खोला गया, मंदिर प्रांगण खोल दिया गया कि दर्शन करने सभी लोग आ सकते हैं, उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस प्रशासन को व्यवस्था सुधार पाना, व्यवस्था बनाए रख पाना इतना मुश्किल हो रहा है कि उन्हें अनाउंस करना पड़ रहा है कि सभी लोग रुक जाएं, विधिवत तरीके से एक एक करके सभी श्रद्धालु अंदर जाएंगे और रामलला के बाल स्वरूप का दर्शन करेंगे। तो काफ़ी जद्दोजहद व्यवस्थाएँ बनाए रखने के लिए, श्रद्धालु भी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें दर्शन करना है और यहाँ पर कोई कष्ट भी नहीं देना चाहते हैं किसी भी श्रद्धालु को। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो फोर्सेस हैं, जो व्यवस्थाएं सुधारती हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। और आप ये देखिए, आपको लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार कितना भव्य ये पूरा नज़ारा, क्योंकि सभी के मन में बस एक ही चाह है कि कब वो रामलला के दर्शन करेंगे। चूँकि महीनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब से तारीख तय हुई थी उसके बाद
रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ट्रेन बंद है, बसें बंद है, यातायात परिवहन बंद है अयोध्या के लिए खास तौर पे। उसके बावजूद जैसे तैसे करके लाखों की संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या। और अब अयोध्या नगरी मानिए जगह कम पड़ गई है, भक्त पैर रखने के लिए भी परेशान हो रहे हैं और तमाम फोर्सेस तैनात हैं। पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील है। हर भक्त अपनी मनोकामना पूरी कर सके, पहुंच सके, दर्शन कर सके, इसके लिए कोशिश यही कि सभी को आराम से दर्शन मिल जाए। आस्था का जनसैलाब, और इस जनसैलाब की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कुछ वक्त पहले की, ठंड बहुत ज़ोरदार है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है, धूप भी नहीं है। बावजूद इसके आस्था की डुबकी के बाद रामलला के दर्शन की चाहत और जनसैलाब, ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, मानिए एक कदम रखने की भी जगह आसपास ना बची हो, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर अब हो चुकी है। तो पुलिस बल भी मौके पर है, तमाम लोगों को समझाइश दी जा रही है, काफ़ी मुश्किल हो पा रहा है उनके लिए व्यवस्था बनाए रखना।